नमस्कार दोस्तों वही शॉप जैसलमेर में आपका स्वागत है दोस्तों नगर परिषद का चुनाव आज संपन्न हो चुका है जैसलमेर गोल्डन सिटी का और हम कुछ शहर में घूमे कुछ जहां लोग इकट्ठे होते हैं हमने वहां लोगों की समीक्षाएं सुनी हमने क्या नतीजा निकाला तो हमने नतीजा यही निकाला इस बार कुछ स्तंभ धराशाई हो जाएंगे कुछ स्तंभ धराशाई हो जाएंगे और निर्दलीय का भाग्य चमक जाएगा और यहाँ का जो बोर्ड बनेगा शायद उनमें उनकी भागीदारी बहुत काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रहेगी वैसे कांग्रेस के बारे में लोगों का ये मानना है यहाँ की सरकार भी है पूर्व का जो बोर्ड था वो भाजपा का था तो इस बार कांग्रेस की संभावनाएं ज़्यादा बता रहे हैं लेकिन हमने जब जहां लोगों से बात की तो वहां हमारा जो एनालिसिस है रेशियो है वह करीब करीब बराबर हो रहा है यानी कि अगर कांग्रेस दो कदम आगे चलती है तो बीजेपी भी, भी दो कदम आगे चलने का प्रयास कर रही है यानी कि हम मानते हैं कि इनकी सीटें बराबर आएगी और निर्दलियों की उम्मीद लोग बाग दस से ग्यारह की तरफ बारह की तरफ कर रहे हैं हम दस के अंदर मानते हैं तो इस बार जो चेयरमैन बनेगा उसमें चांदी होगी निर्दलियों की और उसी के साथ ही साथ में आ, हम जो आपको बात एक विशेष बता रहे हैं एक हमारे यहाँ निर्विरोध कांग्रेस का प्रतिनिधि आ चुका है उसकी संभावनाएं चेयरमैन के लिए ज़्यादा आंकी जा रही है लेकिन और भी कई लोग यहाँ पर चेयरमैन के दावेदारी में हैं लेकिन उनका भाग्य तो कहते हैं ना कि आज बंद हो चुका है जब नतीजे आएंगे उसके बाद उनको जीतना है उसके बाद फिर क्या करना है वो बात की बात है तो यहाँ एक निर्विरोध आ चुके हैं वहाँ यहाँ कहते हैं कि रेस में सबसे आगे हैं हमने जो एनालिसिस किया है हमने जो लोगों से मिलना मिलाना हुआ है उससे नतीजा यही आता है बोर्ड कांग्रेस का बनने की संभावनाएं ज़्यादा है और उसमें निर्दलीय बिल्कुल अपना वजूद बताएंगे देखिए क्या होता है लेकिन हमने जो सुना हमने जो देखा वह आपके सामने है कुछ आंकड़े जब हमको रात को और आएंगे हो सकता है हम कुछ नया लेकर के कुछ आपके सामने फिर हाजिर हो तब तक हमें दीजिए इजाज़त वही शॉप जैसलमेर से मैं सुरेश कुमार हर्ष जय हिंद जय भारत